Hey guys, welcome back to my channel. स्वागत है आप सभी का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल वीडियो में। तो गाइज अभी मैं हूँ शेसल्स में। शेसल्स ईस्ट अफ्रीका का एक बहुत ही प्यारा एंड क्यूट सा कंट्री है। वहीं पर मुझे इनवाइट किया गया था बाइनेंस की तरफ से, जहाँ पर ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स हैं या फिर बाइनेंस के जो क्रिएटर्स हैं उन सभी को इनवाइट करा गया है एंड काफ़ी सारी इनसाइट्स हमारे साथ शेयर की जाएंगी बाइनेंस की। इंडिया के अंदर अभी बाइनेंस का क्या हाल होने वाला है, क्या ये गवर्नमेंट के साथ कंप्लाई करेंगे क्या नहीं, सारी अपडेट्स यहाँ से हमें पता चलेंगी। अंदर की बातें जो होती हैं तो वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो कल शाम को मैं यहाँ पर पहुँचा था, अगले 2-3 दिन हम यहाँ पे रहने वाले हैं। बाइनेंस ने काफ़ी सारी चीज़ें प्लान कर रखी हैं, काफ़ी सारी मास्टर क्लासेस हैं जहाँ पर आने वाले प्रोडक्ट्स के बारे में पता चलेगा। तो चलो सबसे पहले मैं आपको रूम टूर दे देता हूँ, क्योंकि जहाँ पर हम स्टे कर रहे हैं ना एक बहुत ही प्यारी लोकेशन है। तो सबसे पहले मैं आपको ये लोकेशन दिखा देता हूँ। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम अभी माहे आइसलैंड में, शेसल्स कंट्री में काफी सारे आइसलैंड हैं जिसमें माहे आइसलैंड सबसे ज्यादा पॉपुलर है। एंड जिस प्रॉपर्टी में हम स्टे कर रहे हैं इसका नाम है कंपसिंकी शेसल्स रिजॉर्ट, जो कि एक 5-स्टार होटल है। सी दिस इज द एंट्रेंस एंड आप देखो भाई काफी प्यारा है, आइसलैंड है ना तो वैसी वाइब्स हैं, बहुत ही ग्रीनरी से भरा हुआ आइसलैंड है। अब हम अंदर आते हैं तो यहाँ पे वॉशरूम वगैरह है, बाथरूम वगैरह है एंड दिस इज द रूम एंड ये है अपना सिटिंग एरिया, लिविंग रूम यू कैन से दैट, जो कि इसी से अटैच्ड है। टीवी लगा हुआ है एंड सबसे अच्छी चीज़ यहाँ की जो है ना वो है इसकी बालकनी। तो मैं जल्दी से कर्टन्स हटा के आपको बालकनी दिखाता हूँ। सी तो ये है हमारी इस रूम की बालकनी जो कि बहुत ही प्यारी है एंड सामने है हमारे सी। आपको शायद दिख रहा होगा, मैंने जूम कर लिया है एंड अगर मैं फोकस करता हूँ तो आप देख सकते हो हमारे सामने ही जस्ट रूम के सी है, जहाँ पे हम जाके चिल कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। तो चलो यार अभी टाइम हो रहा है बाइनेंस की मास्टर क्लास का, अटेंड करते हैं फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने कैफे लेजर, यहाँ पे रेस्टोरेंट होगा शायद आई गेस। एंड हमारे साथ हैं अमन साई भाई जो कि भोपाल से हैं एंड बाइनेंस स्क्वायर पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर पर्सनालिटी हैं ये। एंड अगर आप लोग एक्टिव हो बाइनेंस स्क्वायर पे तो आपने इनकी पोस्ट जरूर देखी होगी। अमन एंड यू कैन आल्सो फॉलो मी एट अमन साई ऑफिशियल। हाँ मैं यहाँ पे लिंक मेंशन कर दूंगा, फिर यूजर नेम डाल दूंगा, आप इनको फॉलो कर लेना। तो भाई अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करने आए थे और हमें मिले हैं सुमित सर फ्रॉम दी वाइस एडवाइस यूट्यूब चैनल, आपने देखा ही होगा क्रिप्टो कंटेंट अगर आप देखते हो तो। सर कुछ कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है इधर? ऑल गुड, गर्मी बहुत ज़्यादा है। गर्मी बहुत ज़्यादा है राइट, अभी देखते हैं क्या क्या होता है बनारस के कैंपस के अंदर। हाँ सी काफ़ी सारी एक्साइटिंग चीज़ें प्लान है। तो चलो ब्रेकफास्ट इंजॉय करते हैं फिर आपसे मिलते हैं। So in total, we're covering over 100 plus markets, servicing over 170 million users. I think the key to growing that number is education. In order to kind of cross that chasm from early adopters to mainstream, people need to understand what is crypto, why it's important, and how they can participate. And so Binance Academy is designed to do just that. We have a lot of free courses, articles, videos online. There are suggested parts, recommended parts, so you will get there highlighted like the algorithm does in Twitter, for example. You have to go viral for this. So, अभी हम आए थे Binance की मास्टर क्लास में, यहाँ पर काफ़ी कुछ बताया गया हमें Binance के इनसाइट्स के बारे में एंड काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और हमें यहाँ पे मिले हैं क्रिप्टो इंडिया से, आप सभी जानते होंगे ऑलरेडी, आदित्य भैया। हाउ आर यू सर? बस बढ़िया एकदम। कैसा लग रहा है यहाँ पे? आई थिंक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोगों से मिलना भी हुआ एंड कनेक्शंस के लिए मिलने के लिए काफ़ी अच्छा है क्योंकि सबका माइंड सेट सेम है राइट, को लेके काफ़ी बात बात होती है, बड़ा अच्छा इवेंट है। सो काफ़ी सारे क्रिएटर्स आए हुए हैं इंडिया से, सबसे मिलेंगे अभी धीरे धीरे करके। अभी हम सब लंच करने जा रहे हैं तो रेडी फॉर लंच? टी शर्ट है। सो अभी हमारी जो बाइनेंस की मास्टर क्लास थी वो ओवर हो चुकी है। काफ़ी कुछ बताया गया हमें बाइनेंस स्क्वायर के बारे में, कॉपी ट्रेडिंग के बारे में और भी काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करी गई। अभी हम लोग यहाँ पे जस्ट यहाँ पे मास्टर क्लास हो रही थी एंड यहाँ पे हमारा लंच होने वाला है। लोकेशन देख सकते हो आप कितनी प्यारी है, छोटी सी लेक है। तो गाइस लंच फिनिश करके अभी हम आ चुके हैं इसी रिजॉर्ट के जस्ट साइड से लगा हुआ ये बीच है एंड काफ़ी सारे लोग यहाँ पे नहा रहे हैं, बहुत ज़्यादा धूप है सो यहाँ पे हमने सनस्क्रीन वगैरह लगा लिए सो दैट टैनिंग ना हो। और भाई क्या ब्लूइश वाटर है यार यहाँ का, ओह माय गॉड सी
इट इज सो ब्यूटीफुल यार, वाओ, सेशल्स का फ्लैग, वाओ, सी, बहुत प्यारा बीच है यार। तो गाइस अभी मैं रेडी होके आ चुका हूँ बीच साइड एक्टिविटीज़ के लिए, जो कि बाइनेंस ने ऑलरेडी प्लान कर रखी थी। तो खैर हमने अभी ये बाइनेंस वाली कैप भी लगा ली, आई होप अच्छी लग रही हो सनग्लास, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप है। तो भाई ये है वो जगह जहाँ पे वॉलीबॉल और बीच साइड एक्टिविटीज़ की प्लानिंग चल रही है। यहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए है, एंड सामने आप देख सकते हो देयर इज एरिया जहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी वॉलीबॉल खेल रहे हैं। Whoa! You know, why do you work in this industry? It's full of scammers. What's going on? To wow, okay, what should we be doing? Should we be factoring this into our financial portfolio? How do we? And so this is an overview about the spot and futures on Binance. So as you can see, there is a significant growth. तो ये था हमारा बाइनांस का कैंपस सेसल्स में, जहाँ पर हमें काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिली, बहुत बड़े बड़े क्रिएटर से हम मिले, बहुत कुछ सीखने को मिला। बाइनांस इंडिया को लेकर अभी क्या प्लान कर रहा है वो भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, जो भी हमें थोड़ा बहुत यहाँ से पता चला है। तो बाइनांस ट्राई कर रहा है इंडियन गवर्नमेंट के साथ कंप्लाई करने का, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, जितना भी नेगोशिएशन हो सकता है, जो भी चीज़ें गवर्नमेंट अलाउ कर रही है पूरी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ये इंडियन मार्केट में बने रहना चाहते हैं। इंडियन मार्केट एक बहुत बड़ा मार्केट है एंड बाइनेंस लीडर है इंडिया में, तो इतना बड़ा मार्केट वो ऐसे नहीं छोड़ सकता। दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, एज पर नाउ कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बट अभी बात चल रही है एंड वी होप कि चीज़ें बेटर हों। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल का लिंक है वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लो यार, काफ़ी सारी अपडेट्स वहाँ पे मैं शेयर करता रहता हूँ, बाकी ट्विटर पे भी फॉलो कर लेना। मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।